कैसा लग रहा है? बढ़िया बंदर का बन सर बन रहा है, लेकिन बस्ती तो जोड़ रही है सर ना, थोड़ा दुख इसमें हो रहा है। ये बने इसमें किसी को मतलब दिक्कत नहीं है, ये बस्ती उजाड़ना दिक्कत हो जा रही है। बंदर का बनता है लोगों को आजीविका देने के लिए, ना कि किसी को उजाड़ने के लिए। तो आजीविका भी मिल रहा है कि नहीं? नहीं मिल रहा है सर, एकदम नहीं मिल रहा है। यहाँ पर किसी को प्रवेश नहीं करने देते, आजीविका के बाहर छोड़ देते हैं। घूमने के लिए जाते नहीं जाते। इसी गांव से अध्यापक है, पढ़ाते हैं। कब से हैं यहाँ पर? हम तो जन्म जन्मभूमि सरगर्भती गरियसी यही पैदा हुए हैं। पैदा परदाता सारे लोग इसी जगह। ये लोग को कोई दिक्कत नहीं। तो ये बंदरगाह का कब से शुरू हुआ है काम? कब ये बंदरगाह का शुरुआत जो है साल डेढ़ साल पहले शुरू हुआ। उसके बाद बंदरगाह बनारस के लिए प्रस्तावित है। ये जहाँ बैठे हैं आप इस समय चंदौली जिले में सटा है। परगना एक ही है रालूपुर, परगना एक ही रालूपुर है। और बंदरगाह जो है बनारस के लिए प्रस्तावित है। चंदौली तो ये इस साइड बना रहे हैं, इसलिए आपको दरअसल जमीन जो लिया गया बनारस के लिए लिया गया था। बंदरगाह जो बन रहे हैं वो बनारस के लिए टोटल था, लेकिन इनको जमीन वहाँ हाई मतलब अधिक रेट लग रहा है, तो ये भागे जा रहे हैं ग्रामीण की तरफ। कौन? जैसे बंदरगाह बंदरगाह किसका है? प्राइवेट है? सरकारी? नहीं सरकारी है, लेकिन जो आएंगे वो प्राइवेट आएंगे। सरकार तब माल गोदाम बनाएगी नहीं, जो भी बनाएंगे प्राइवेट वाले बनाएंगे, उनके लिए जमीन चाहिए तो सरकार परेशान है, सरकार उसको आवंटन करेगी। तो उस साइड क्यों नहीं बना रहे? ज्यादा महंगा है। दोनों साइड ले रहे हैं, उस साइड भी ले रहे हैं, उस पार भी ले रहे हैं। ये जो प्राइवेट जो माल आएगा, जो माल आएगा कंटेनर रखने का, बड़े बड़े कंटेनर गोदाम बनाने के लिए प्राइवेट कंपनियों को दिए हैं, वो जमीन अधिग्रहण करवा रहे हैं। देखिए समस्या ये है कि बनारस में जो सर्किल रेट है वो 30 लाख नहीं 16 लाख रुपए बीस से 16 लाख बीस से चौदह हाँ, और चूंकि यहाँ क्या दे रहे हैं 3,75,000 रुपए बीस से, और जिस आदमी का एक बिस्सा है एक बिस्से में घर बनाया, अभी इस वक्त ये घर बचा है, घर बनाने के बाद एक डेढ़ बिस्सा बचा है, इनके 4-5 लड़के वो कहाँ जाएंगे? अभी एक में कल वो अलग नाला बन रहा था, ये नाला बन रहा था किसका मतलब? ये जो जमीन लिया था ये जमीन कोई ये जहाँ से हम लोग आए ना, ये मिल्की रूप एरिया में खड़े हम लोग। पांडे जो लिया हाँ आदित्य पांडे जी, पांडे जी वो उधर मकान देख रहे हैं ना, मकान से लेकर और वो ताड़ का पेड़ देख रहे हैं, ये टोटल 28 बीघे का रकबा है। ये आता है मिल्कीपुर में 28 बीघा। अब जैसे हम लोग वहाँ से नहीं है, वो आता है ताहिरपुर में, तो ताहिरपुर में उतनी जमीन नहीं है सर। ताहिरपुर में से ऊब एरिया आता है जो प्लांट लगा हुआ है सर। हाँ यहाँ खजूर ताड़ के सिवाय कुछ होता नहीं है, और गंगा किनारे लोगों का आजीविका चलता है। जो निषाद समाज के लोग यहाँ पर हैं सर, कुछ लोग मारते हैं। ये बाउंड्री जो खींचा हुआ था ना मकान किनारे तक, ये मिल्कीपुर एरिया है, ये मिल्कीपुर एरिया नहीं है। यहाँ पे डूब जाता है, बाढ़ आता है, बाढ़ आता है, हम लोग को बहुत दिक्कत होता है। अब मकान सर देख लीजिए, अब किनारे से लोग अधिग्रहण कर रहे हैं पूरे मकानों का, बताइए यहाँ के लोग जाएंगे कहाँ सर?
300 रुपये कमाने वाले हैं सर, रोज का अपना धंधा है, कमाते हैं खाते हैं, 300 रुपये में क्या है? अभी इधर की जमीन का रेट भी सही नहीं दे रहा है। नहीं रेट सर यहाँ रालूपुर है सर। तो देखिए आप बोल रहे हैं ये बाढ़ का जमीन। हाँ, बाढ़ग्रस्त एरिया है सर ये, लेकिन जो खरीद रहा है वो आपके समाज का नहीं है। नहीं सर, नहीं सर। क्यों बेच रहे हैं वो लोग? बिहार तबके के लोग, ये जमीन टोटल मुसलमानों की थी, वो लोग बेच दिए। यहाँ केवल बांस का पेड़ ही था लगा हुआ था, मुकदमा चल रहा था जमीनों में। हाँ, सुर सपाटा ना होने के कारण एक पार्टी आई यहाँ पर, उन लोग से बात की, समझौता की, सर मुझे जमीन दे दीजिए आप लोग अपना। तो लोग आपस में बैठे समझौता किए, 70-80-90 हज़ार जैसा भी इसको पटा वो रेट उनको तय कर जमीन दे दिया। जी रहमत और नशी मोहम्मद और कमरुद्दीन जी, ऐसे ऐसे लोग हैं सर कुछ। हाँ, तो इन लोग का तनहा जमीन सर यहाँ से लगभग नियर अबाउट 24-25 बीघा है। और एक फातिमा बेगम है, उनकी भी जमीन यहाँ पर है, जो हम लोग के पहले यहाँ प्रधान थी वो। तो लोग मतलब बाघ से डूब जाता था यहाँ, बाँस केवल बाँस ही, उससे कुछ होता नहीं था, इस वजह से लोग जमीन बेच दिए। अब जमीन बेचने के बाद यहाँ ये लोग अपना प्लान शुरू किए हैं प्लाटिंग का, कि भाई प्लाट कटेंगे हम लोग बेचेंगे। अब बाहर से आने वालों क्या पता कि यहाँ बाढ़ आता है, वो लोग जमीन यहाँ ले लेकर अपना फंसाने लगे। तो इस एरिया में समथिंग सर लगभग 15-20 रोड लिए होंगे जमीन, इतनी जमीन में 20 रोड लिए होंगे। कौन से समाज वो? सिंह हैं, कोई पांडे जी हैं जी। तो ये लोग को क्या फ़ायदा नजर आ रहा है, क्यों ले रहे हैं? नहीं पता इसलिए आप सर देखिए, इन्वेस्ट के पर्पज़ से यहाँ लोग ले रहे हैं, यहाँ जो जमीन ले रहे हैं सर ना, वो इन्वेस्ट पर्पज़ से ले रहे हैं। बिजनेसमैन यहाँ पर रख सकते हैं, ये 10-20 हिस्सा 5 हिस्सा लेकर ले लेंगे। और दूसरी बात सर, ये बंदरगाह की वजह से थोड़ा सा अब इधर एक साल में मतलब वर्चस्व ढेर बढ़ने लगा। एक आदमी जमीन बेच रहा है पीछे, जहाँ से मुड़े हम लोग 25 लाख रुपये बिस्सा बेच रहा है वहाँ पर। यहाँ सर ने इतना बढ़िया संगठन है हिंदू मुसलमानों का, यहाँ कोई लगता नहीं कि आप मुसलमान है कि हिंदू है, सब एक जैसा एक भाव से लोग रहते हैं। ये जमीन सबके नाम पर है, जो लोग रह रहे हैं उनके नाम पर है, अधिकतर लोग के नाम पर है। और अभी तो प्रधान जी आपको बताए हैं 50-50 है, कुछ ऐसे हैं जैसे बहुत पुराने लोग के हैं उनके कि आप कुछ खाली है तुम्हारे में आगे बढ़ जाइए। कुछ लोगों का जमीन जो है गंगा जी में चला गया, वो आकर इधर जो पहले काश्तकार थे, पहले होता क्या था कि ले लीजिए आप 1-2 बिस्सा पर आप रहिए, तो वैसे ही आज तक वो रह गए, क्योंकि उनका तो चला गया गंगा जी में कट गया, उसका उनका चला गया। तो अब इनको ये जो है अब इनके नाम से सिर्फ पंचनामा है जो रहते हैं सिर्फ, और कुछ है नहीं, क्योंकि पहले से उनका नाम चल रहा है, कोई आवाज नहीं, रजिस्ट्री नहीं है, पंचनामा हुआ है। 10 रुपया स्टैम्प 20 रुपया का स्टैम्प लिखा है कि हाँ आपको अमाउंट कर दे रहे हैं, आप रहिए, आपको यहाँ से कोई हटाए बढ़ाएगा, लेकिन रजिस्ट्री नहीं हुई है। दास तो मजबूत वो है ना, इतना जमीन है। तो कितने लोग प्रभावित ये इससे हमको लगता है 5,000 से ज्यादा जनसंख्या प्रभावित हुई। और कितने जमीन इनको चाहिए ऐसे? इनको 60 एकड़। अब इनको तो जमीन अगर मिल जाए तो लगभग इनकी आवश्यकता है पूरा ये नारायणपुर तक ले ले जमीन इनको चाहे, क्योंकि प्राइवेट कंपनी आएंगी, वो अपना गोदाम बनाएंगे। कौन बताया कि प्राइवेट कंपनी आएगी भाई? कौन आएगा तो हमें नहीं पता। नहीं प्राइवेट कंपनियां आए ना आए, लेकिन लेंगी तो प्राइवेट कंपनी, सरकार इसको आवंटित करवा रही है, ले रही है। दूसरी बात, लेगी तो प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी। रालूपुर में इतनी जमीन है, जितनी उनकी आवश्यकता है उतना में वो पूरा कर सकते हैं। गंगा के तट के उस पार तो वो आश्रम का जमीन है ना? आश्रम का जमीन है तो वहाँ वो तगड़े व्यक्ति नहीं ले सकते हैं, वहाँ तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं, तो फिर कहाँ तो वो लोग से नहीं लेंगे, कैसे ले पाएंगे? आप तगड़े हैं, आपसे हम नहीं ले पाएंगे। तो आप लोग तगड़े नहीं हैं? हम कमजोर हैं। कैसे कमजोर भाई? हम लोग का बस जनसंख्या बल है, हम लोग विरोध कर सकते हैं, आए दिन अधिकारी परेशान कर रहे हैं। क्या बोले, अब तो दूर आते हैं लोग। गढ़वा घाट के पास इतना जमीन कैसे आ गया? गढ़वा आश्रम की सर, वो आश्रम के लोग जो हैं सर ना, वो गरीब व्यक्ति के लोग उस पार थे, उनकी जमीनों लोग अधिकार किए हैं, कब्जा किए हैं। आज किसकी किसकी जमीन है? चलिए 2-4 लोग हैं मेरे पास, मैं उनको आपसे मिलवा भी दूंगा। मतलब जबरदस्ती जबरदस्ती कब्जा किए उन लोग आश्रम वाले? हाँ आश्रम वाले। तो प्रधानमंत्री तो उधर ही गए, अब मुख्यमंत्री जी मिले हुए हैं, क्या किया जाए सर? देखिए प्रधानमंत्री जी तो आए थे, जितने मतलब महाराज लोग हैं ना उन पर बीजेपी बहुत खुश है, और वही की पार्टी ही है केवल महाराज साधु संतों की। साधु संत देखिए सांसद हैं, तो विधायक है, मठ में रहना चाहिए, वो मठ छोड़कर वो सांसदी विधायकी कर रहे हैं सर, उन्हीं के पार्टी में हो गया ना।
अधिग्रहण किया गरीब लोगों का जमीन जबरदस्ती ले लेकर उस पार सर ना गढ़वा हाँ गढ़वा जबरदस्ती ले आ गया सर। फिर वो कहाँ गए? कहाँ सर वो 10,000-5,000 देकर हटा दिए हैं बेचारे, जहाँ कहीं मड़ी लगा कर पड़े हुए हैं, कहीं छोड़ के गाँव चले गए, तो कोई इसके पास जमीन ऊपर था वो मकान बना रह रहा है आज तक। उन लोग केस वेस नहीं किया? कैसे ले लेंगे सर, इन लोगों के पास इतना सोर्स है बेचारे, गरीब आदमी कहाँ लगा पाएगा। ये लोग देंगे वहाँ 1,00,000 तो बेचारा 100 रुपये में कोई सुनवाई आज की डेट में नहीं होने वाला है सर। तो वो कौन से समाज के थे? निषाद समाज के सर, सहानी परिवार सर, वहाँ पर 101% पाइएगा। इस ये जगह देख रहे हैं सर, सामने से लेकर पूरे मतलब मुराई चौक के इधर तक अधिक सहानी में पाइएगा आप। कौन अधिकारी आए थे? अधिकारी तहसीलदार लोग आते हैं। दो लोग बोलेंगे सर, तहसीलदार लोग आते कई बार आ चुके, तो लोगों से हमने बोला कि भैया हम लोग को गलत उजाड़ रहे हो, गलत जगह आ रहे हो, हमको विश्वास नहीं है कि आप लोग सही काम कर रहे हो। तो लोगों ने हमसे बताया, बोले कैसे? हम कि ऐसे महात्मा मोदी जी का कहना है कि हम किसी का घर नहीं उजाड़ेंगे। बोले बंदरगाह, बंदरगाह तुम्हारा बिजनेस है ना, उद्योग है ना, कोई ऐसा राजमार्ग नहीं है ना, लाइन मार्ग नहीं है ना, तो बिजनेस तुम और भी कहीं जाके कर सकते हो, बिजनेस के लिए हमको उजाड़ के फेंको। तो उन लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट किया था, और फिर उन्होंने ये कहा कि जो खाली जगह है उसको हम लेंगे और बाकी आपको गांव में किसी घर को हाथ नहीं लगाएंगे, ऐसे खुली आवाज में SDM जी भी बोल के गए थे। कब की बात है ये? बहुत 10-15 दिन हुआ। हाँ सब मिला के बेटा कितना हो गया? 15 दिन हुआ होगा। हाँ ये लोग खुली आवाज SDM उन्होंने बोला था, उन्होंने ये भी कहा था साफ साफ कि प्रविधान में ऐसा कोई चीज नहीं है कि जिस किसी का घर उजाड़। हमने बोला कि देखो हमको विश्वास भरोसा बिल्कुल नहीं, हमको महात्मा मोदी जी पर पूरा भरोसा है कि हमारी घर उजाड़ने का बिल्कुल आपको कभी इजाजत देंगे ही नहीं। अगर ऐसा है हमको विश्वास दिलाना चाहते हो तो हमारे महात्मा मोदी जी से आप बात करा दीजिए, यहाँ बुला दीजिए। आप गलत आए हो, गलत तरीके हमको उजाड़ोगे तो खुद परेशान होंगे आप लोग। हम भी वहाँ पुस्तैनी जगह है भैया, पहले इस बात को आदमी समझे। आज 30-40 बरस के आगे जाइए आप, यही घाट है, मैं आपसे बता रहा हूँ। ऊँट पर लद करके गेहूँ चावल, वर्दी पर लद के गेहूँ चावल, जितनी भी सब्जी साग आते थे सब हम लोग यहाँ से क्रॉस करते थे नाव से, वो सब पूरा सिटी के अंदर जाता था। आज लोग पुल बना लिए तो हमारे तरफ कोई ध्यान है नहीं। मैंने पुल बनने के बाद आप लोग नहीं, कोई ध्यान नहीं हमारा, सब उनका यातायात शुरू हो गया, फिर हमको कुछ नहीं समझते लोग, हमको उखाड़ फेंकना चाहते। और हम लोग जो हमारा वंशज है निखाद, जो हम वंशज है ना, हमारे लोग का दर्शन में अक्सर सबसे ज़्यादा ये जीविकोपार्जन जीविका जो है ना, तो ये अक्सर लोग पानी के सहारे ही काम ज़्यादा करते लोग, मछलियों को पकड़ना बेचना। अब तो खैर धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है, पढ़ाई लिखाई तो अक्सर हर घर के लोग आज भी थोड़ा बहुत 100-200 का काम कर लेते हैं, किनारे पर सब दिन रहे हैं। तो हमने बोला तहसीलदार साहब से, SDM साहब से कि भैया हमको समझाओ ना। क्या नाम है उनका? नाम से तो वाकई नहीं है, SDM कुमार हर्ष है। तो क्या हुआ, तो उन्होंने उनसे हमने बोला कि जो आप बंदरगाह के लिए जमीन लिया ठीक है, हमको बिल्कुल अनुभव है आपको कितना जमीन चाहिए था, वो जमीन मेरे जानकारी में अच्छी तरह से जो खाली जगह इधर पड़ा है आपको पूरा भी हो गया है, अब काय को ले रहे हो। तो बोले भैया दादाजी अभी हमको 26 एकड़ जमीन और चाहिए। हमने बोला 26 एकड़ काय को मांग रहे भैया, ये क्या कह रहे हो आप, उद्योगपति पूंजीपति को यहाँ बसा करके हमको उजाड़ के फेंकेंगे। भाई तुम्हें धंधा दिख रहा है, तुम हमारे बारे में नहीं सोच रहे हो कि हम क्या करेंगे, हम मरेंगे कि जिएंगे, हम यहाँ से जाएंगे, हमको कमाने का शौर नहीं है, कुछ करने का कर लेंगे, हमको उजाड़ के तुम्हें केवल पूंजीपति उसका फायदा उठाएंगे। हमको ये देखने को नहीं मिलता कि गरीबों के लिए भी कोई वर्किंग मिलेगा या मजदूरी मिलेगा, तो इसलिए हमको हमारे साथ में ऐसा क्यों किया जा रहा है भाई, हमारे साथ में ऐसा क्यों किया जा रहा है। हमने अपने आत्मा से बगैर कहे बगैर सुने बगैर कन्विंसिंग का महात्मा मोदी जी को जीत के लाए, इसीलिए लाए क्या, क्या जो हमको उछाल फेंकने का समय पहले से नहीं पता था कि बंदरगाह बना है? नहीं ना बना है, और ये भी पता था कि उनकी जमीन हो गई है, आज फैलना शुरू किए हैं लोग, फैल रहे हैं। हमारी समस्या बस इतना है कि ये जो बंदरगाह बन रहा है उसमें हमको उजाड़ा न जाए। आपकी समस्या आपने बताई ठीक है, आपने बीच में क्या कहा कि वो ताकतवर हैं, हमारे पास संख्या है, तो आज के डेट में आप ताकतवर क्यों नहीं, आपका समुदाय ताकतवर क्यों नहीं है, जब इतने समय से रह रहा है, आपका जमीन है, आपका नदी है, तो आप क्यों नहीं है ताकतवर? सबसे बड़ी बात है सर कि सरकार की योजना है, सरकार के अधिकारी हैं। अब अधिकारी लोग
अक्सर जैसे लेखपाल हैं, मान लीजिए तहसीलदार तो ठीक ठाक, और ऊपर के अधिकारी मतलब मिला जुला के ज़्यादा से ज़्यादा लेखपाल और हमारे यहाँ के कुछ एकाध दो जन जो है यहाँ घूम घूम कर पूरी। देखिए ये जो हम लोग के क्षेत्र में बंदरगाह बढ़ रहा है वो नहीं बढ़ता, हुआ ये कि हमारे यहाँ के जो कुछ लोग थे उन्होंने ट्रिक दिया कि आप जाइए आप चाहेंगे तो, क्योंकि देखिए जो गांव में रहता है उसको अच्छी तरीके जानकारी है कि कौन कैसे क्या है, तो वो जानते थे, तो उन्होंने लेखपाल को लिया और पूरा ये कर दिया कि इधर जितनी आसान से ज़मीनें मिल जाएंगी उधर बनास में उतनी आसान से नहीं मिलेगी। उसमें दो फैक्टर, पहले वहाँ तो लंबा पूंजी मिल रहा है जो सर्किल रेट है उधर का बड़ा हुआ है इधर कम है, तो सरकार को यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा फायदा दे रहे हैं अधिकारी लोग, इसलिए ये इधर गांव को परेशान कर रहे हैं, नहीं तो इस बंदरगाह में जो है ये गांव नहीं था। अब लोगों से यही कहा जा रहा है कि भाई आप ज़मीन लीजिए तो एक तरफ लीजिए, आप गाँव को नुकसान में पहुँचाइए, लेकिन ये लोग का क्या है लेखपाल यहाँ क्या ADM साहब ने इसको बोल दिया है कि भाई आप जाओ मुझे ज़मीन चाहिए इस एरिया में इतना, नहीं तुम्हें नौकरी छुड़ा दिया जाएगा। वो अपनी नौकरी बचाने चक्कर में आता है, पूरा गांव सर्वे करके आता है वो, और लिख पड़ के जाएगा कांडगो साहब आएंगे ADM साहब को लेकर आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर मीटिंग बैठाएगा कि नहीं भाई हमको ज़मीन चाहिए आप, वो धमकी भी देता है कि अगर आप लोग ज़मीन नहीं दीजिएगा तो गवर्नमेंट से हम ट्रेजरी आपके खाते में लगवा कर खाते में पैसा लगवा देंगे, यहाँ हम लोग काम शुरू कर देंगे। सर यहाँ का एक बिस्सा की कीमत सर 12 लाख रुपया है सर, लेकिन सरकार का होने से जो है ये बंदरगाह सरकार का है, सरकार भी तो आपके भी तो है, सरकार तो है अपनी, सत्य यही तो है कि बस सुनवाई कहाँ हुई, बस सुने कौन, अधिकारी तो एकदम अपने रौ में है, वो तो भाई अधिकारी है तो मनुष्य, लेकिन अधिकारी उसके ऊपर बिल्ला लगा अधिकारी का, हम उसको मार नहीं सकते ना कुछ कर सकते हैं, हम क्या करेंगे उसे हाथ ना जोड़ेंगे। आपकी संख्या तो है ना, संख्या है तो हम तो बोल रहे हैं, हमने पेपर में भी निकला था, अभी आए थे परसों परसों तहसीलदार साहब, तो सीधे सीधे ये हो गया कि भाई हम ज़मीन नहीं, हमको उजाड़ा ना गया, खाली बहुत सारी ज़मीन है उसको लीजिए, बड़े बड़े काश्तकारों से आप ज़मीन नहीं ले पा रहे हैं, वो सीधे बोल दे रहे हैं कि हम नहीं देंगे। काश्तकार क्या होता है? काश्तकार मतलब बड़े बड़े 10-25 बीघा जो है उसको काश्तकार, जमींदार, जो जमींदार जो लिए हैं वो यहाँ के हैं नहीं, यहाँ के लोगों ने उनको बेच दिया जो प्रति ज़मीन पड़ा है, ठीक है, उस ज़मीन को आप ले नहीं पा रहे हैं, यहाँ जो 54 आधा बिस्सा एक हिस्सा जो लोग लगा रहे हैं यहाँ पर, उनको आप उजाड़ने की बात कर रहे हैं, ये अधिकारियों की मिली भगत। हमारे पास में एक बीघा जमीन है, इनके पास में एक बिस्सा है थोड़ा है, उनके पास में थोड़ा है, तो ये नहीं देने चाहते हैं, ये नहीं देने चाहते हैं, लेकिन जो ये इतना रखे हैं वो देने चाहते हैं। अच्छा ये भी जिनके पास इतना है ना वो बाहर एरिया में है भी, वो बाहर ही एरिया में गांव में नहीं है, वो भी निषाद समाज का है। नहीं, वो दूसरा था। कौन है वो? हाँ देखो मैं बता रहा हूँ, निषाद समाज मुसलमान भाई की यहाँ पे जमीन थी। अच्छा। जमीन वो भाई है और सब बहुत मिल जुल के हम लोग रहते हैं, ऐसा कोई पहचान में नहीं आता कि यहाँ पर मोमेडन भी रहते हैं, हिंदू में ऐसा कोई पहचान में नहीं आता, लेकिन धीरे 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 इन लोगों ने 10,000-15,000 की जमीन थी, कोई पंडित जी आए पूरा जमीन का 1 लाख लगा दिया, रे धड़धड़ा के पूरा गंगा जमीन में अपना बेच दिया किसान लोग उधर का। पंडित जी कहाँ से आ गए? पंडित जी आदित्यनाथ पांडे, आदित्यनाथ पांडे धंधा वाले, वो ना करिए ना, 1 लाख लगा दिया, आज के 5-7 साल पहले की बात है, आज से 5-7 साल पहले की बात है। अधिकरण लोग का यहाँ से है सामने से बाबा जी का लगभग यहाँ तक समथिंग, यहाँ तक पूरा यहाँ देख रहे हैं जो चिकना चीज दिख रहा है बालू रेड टाइप का, वहाँ से कब्जा किए हैं, लेकिन क्या करिएगा सर, गरीब लोग हैं बोलेंगे उससे नहीं, आजकल की हर जनता डरपोक है, बाबा बोलेगा मैं तो श्राप दे दूंगा, अरे महाराज हम जमीन छोड़े थे हम जमीन छोड़े थे जमीन नहीं ले। सर आप कैसे नहीं डर रहे हैं, आपका तो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। हाँ हम सर नहीं डरेंगे सर, हम सही है तो सही बोल रहे हैं, हम क्यों डरने जाएं सर। पर गढ़वा घाट के बाबा का बहुत बड़ा पहुँच है सर, कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत नहीं है गमछा काम आएगा ये सर, बीजेपी गमछा जिसका विरोध एक तरफ विरोध भी है एक तरफ लगा भी है, विरोध नहीं है सर, लगा विरोध देखिए सर, विरोध चाहे मेरे घर के लोग हो चाहे आश्रम के लोग हो चाहे समाज के लोग हो, जो गलत करेगा उसके विरुद्ध आवाज उठाया जाएगा,
गमछा क्या भाजपा का है सर? ये किसी पार्टी का नहीं है सर, ये किसी पार्टी का नहीं है। लाल है ये तो? लाल है केवल, वामपंथी तो नहीं है? नहीं सर, ये एक शौक सर की, मतलब व्हाइट गमछा गंदा हो जाता है पसीने से, ये रेड रहेगा तो गंदा नहीं होगा। ताड़ी पीते हैं आप? नहीं सर, ताड़ी नहीं पीते। क्या पीते? लस्सी? लस्सी सर, लस्सी तो आम बात है सर, लस्सी दही दूध। तो आप कितना तक पढ़ाई किए? सर हम बीएड किए हैं। जी टीचर? जी हम स्कूल चलाते हैं सर। प्राइवेट? जी प्राइवेट। हाँ ये रसूला गंज में सर, छोटा मिर्जा। कितना क्लास था? हम सर ये मतलब एट तक चलता क्लास, आठ तक चलता हम लोग स्कूल। पहले इंटर कॉलेज में पढ़ाते थे सर, सामने इंटर कॉलेज है आश्रम स्कूल है सर, उसके बगल में कॉलेज है इंटर कॉलेज, बागेश्वरी इंटर कॉलेज। वो भी कब्जा कर लेगा? नहीं वो कब्जा नहीं, वो उनसे बाहर है, पहले उसी में हम पढ़ाते थे सर। तो अभी अपना धंधा बढ़िया चल रहा है? हाँ सर अपना ठीक है सर, लोग को पढ़ा रहे हैं। हाँ सर दूसरी बात ये कि इधर की सरकार हम लोग को पढ़ा रही है सर। दूसरे के साथ रहने से बढ़िया है कि अपना खुद के खोल के चलाओ। तो आप सरकारी जॉब के लिए 2006 से अप्लाई किया सर, आज तक कोई मतलब इन्फॉर्मेशन, मतलब मेहनत के बावजूद भी मतलब सफलता ही नहीं मिला। बिरादरी बात भी है सर, नाम चेंज कर लेते हैं? नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है सर, देखिए नाम चेंज करने से इंसान का सकल सूरत चेंज नहीं हो जाएगा। तिवारी लगा लो नौकरी मिल जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं है सर, थोड़ा सा देखिए आप तो बोला ना किस्मत साथ नहीं दे रहा है बस। किस्मत पंडितों का साथ देता है बस क्या? नहीं देखिए जरूरी थोड़ी कि वो पोथी पत्रा वाले तो उनका साथ देगा, वो किस्मत हम लोग नहीं देगा। सरकार तो देगा कम से कम, किस्मत ना दे। हाँ सरकार देगा सर, सरकार उनकी है तो देगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सरकार मेरी भी है तो लेकिन ये तो लेकिन मानना पड़ेगा साहनी साहब कि आप भले ही कोई कुछ करे ना करे आप लोग एकदम श्रद्धा से। हाँ सर बीजेपी एकदम ये मोदी भक्त सर, ये बात हम पूरा एकदम फिर से मोदी भक्त सर कह रहे हैं कि हमारा वो मोदी जी हमारा माई बाप है। हाँ तो जब से हमारे वो फुल्लन देवी मरी हैं तब से हमारे को वो शांति दे रहे हैं जनता। वो तो 2001-2 में हाँ ठीक है, ये आप 5 साल से जीता दिए फिर जीता दिए ठीक है। वो क्या किया आपके लिए बताइए? हम जमीन का जो हमारे बंजे जमीन है उस पर हमको मुआवजा मिला ठीक है। किस चीज के लिए? जैसे कि बंजर जमीन का, बंजर जमीन, बंजर नहीं है जो जमीन है पैदा नहीं हुआ। अच्छा किसान कुछ बिगड़ गया आसमान से या कुछ भी से पैदा नहीं हुआ, फसल बीमा योजना ऐसा कुछ वो भी मिला ठीक है। क्षतिग्रस्त क्षति लाइन पहुँचाए ठीक है, बिजली बिजली पहले नहीं था, एक रुपया पहले नहीं था, ऐसा बात नहीं था, बिजली तो मिले ऐसा ऐसा कभी नहीं था, पहले नहीं था। हाँ ऐसे नहीं था, नहीं नहीं था, मतलब 24 घंटा में 8 घंटा था और बाकी बाहर बाहर था, घर घर नहीं था। अच्छा ठीक है, बिजली के लिए तो पहुँचे भैया, परिवार के लिए बहू के लिए पैखाना बनवाए ठीक है, परिवार में सुरक्षित आया ठीक है। हाँ घर घर एकदम पूरी चूल्हा बटवाए, एक रुपया बच्चों के लिए बड़ी परेशानी, एक रुपया में सिलेंडर बटवाया। हाँ एक रुपया भी नहीं लगा भी दिया है भैया जी, सिलेंडर करिए दोबारा दोबारा भले ही। हाँ सर वो भले ही बाद में काट लिया है लेकिन नहीं 5,000 हमारे किन हो पा रहा है ना। हाँ? हम सिलेंडर ले रहे हैं। हाँ? एक रुपया में मिल गया, वो 700 रुपया लेकर के काट लिया, मुश्किल नहीं। विदेश कंट्री में यही चलता है, इंस्टॉलमेंट भी नहीं लिया है विदेश कंट्री में भैया, तो क्या आपकी जानकारी हुई कोई भी आया ये ऐसा नहीं किया घर का। एक मिनट भैया, विदेश कंट्री में यही होता है कि वहाँ का सरकार जो घर बनवा देता है पूरा पूरा एकदम कम्प्लीट कर देता है, गरीबों लोगों को डाल देता है, उससे 15-20 रुपया महीना लगा के ले लेता है। हाँ। पानी का सुविधा, टट्टी का सुविधा, नहाने का, खाने का, उठना बैठना सब मिल गया। अब 15 रुपया रोज काटेंगे आप शकर मरवर में उठा रहे हैं। सिलेंडर मिला उसके बाद लोग फिर अभी सिलेंडर पे ही बना रहे हैं कि गोबर पे बना रहे हैं? सिलेंडर ही बना रहे हैं। जिसके पास में मतलब नहीं हो पा रहा है दोबारा नहीं भरा रहा है, बस ये 5% मान के चलिए टोटल के साथ चलेगा। हां टोटल तो अभी स्थिति ये है कि मान लीजिए आपको सब कुछ दे दिया गया और आज की डेट में 2 महीने बाद आपका ना घर रहेगा ना कुछ रहेगा क्योंकि आपको विस्थापित किया जाएगा, 4,00,000 रुपए आपको दे दिया जाएगा ठीक है। तब पानी डाल रहा हूं, तब क्या होगा पहले सुनिए। हम लोग ही बोलेंगे, आप टेप कर लीजिए,
हम नहीं बोलेंगे, ये ऐसा है कि जो हम लोग उनको दिल से मांगते हैं तो खुद आएंगे हमारे गांव में, या हम चक्का जाम करेंगे या घर में बुलाएंगे, ऐसा समाज जुटा करके वहां आएंगे, कह देंगे कि ठीक है आप लोग हट जाइए, आपको मकान देंगे, बिजली देंगे, पैखाना देंगे, खाने पीने के साधन देंगे, लाश फूकने का जगह देंगे, तो हम लोग हट जाएंगे। इतना बोलेंगे अपने मुंह से, हम लोग यहाँ से ये पृथ्वी छोड़ के रोजगार, हम लोग रोजगार मछली का गंगा जी में मछली मारना है, ये हम लोग हरदम यही मेन रोजगार। आप अपना देंगे इतना 3 लाख रुपया हिस्सा लीजिए, कहाँ जाएंगे फिर मछली मारने? कहाँ आएंगे मछली मारने? कहाँ आएंगे आप? कहाँ जाएंगे? कहाँ बस जाएंगे? तो हमारा धंधा तो छुपट होगा, हम तो गंगा जी के सहारे हैं। और इस सीधे मतलब निषादों को ये मतलब गुमराह किया जा रहा है कि भाई आपको एससी में शामिल कर दिया गया है। वोट तो दे ही रहे हैं आप बीजेपी को पहले से, वो तो सर अब ये भी पक्का होगा कि अगली बार भी देंगे सर, ये हमेशा देंगे, पक्का भाजपाई है, लेकिन आप हम हाँ पक्का भाजपाई है, लेकिन घर ले लेगा तो फिर हम क्या करेंगे सर? इसमें नहीं है सर, लेकिन हम लोग देंगे नहीं सर, देंगे नहीं सर। अब बीजेपी का भले भी सपोर्टर हम लोग हैं, तो अगर हम लोग मकान लेने देंगे सर? नहीं देंगे, देंगे नहीं सर वहाँ पर हम लोग। लेकिन बंदरगाह वाले इतना दबाव डाल दिए हैं वो सब पर, कोई अधिकारी साथ नहीं देने वाला तैयार है जो है लैंड पे लगा। लोग कहते हैं कि सरकार वाले कौन हुआ कि ना से, अरे बंदरगाह वाले मेन मालिक तो कोई आ ही नहीं रहा है, खाली पटवारी आ रहे हैं एक तो सावला से। वो बंदरगाह किसका है? सरकार का है। सरकार का रहता तो सरकार खुद ही नहीं आता, सरकार तो कोई नहीं आ रहा है उसमें, बताइए हमको कोई सरकार आ रहा है? बस दलाल खाली उसमें आ रहे हैं, फिर जो है और उसके बाद में वो आ रहे हैं बताते हैं सबके तहसीलदार आते हैं, SDM बोलते आते हैं, SDM सादा ड्रेस में आते हैं, बताइए SDM आएंगे तो उसके साथ पुलिस साथ ससर रहेगा ना कुछ, कि SDM इतना हल्लुक में पावर में है उसके, की उस तरीके चले आता है, चले आते हैं। ज्यादा बड़ा पैसा का मामला है, अरे घूस ले रहा है खुद ही, 10-20 लाख रुपया मिला होगा उसको, तभी नहीं आ रहा है ये SDM को, तब क्या बिना घूस के साथ घूमेगा बताइए, पैदल रास्ते में घूमेगा बताइए, SDM घूमेगा इतना अथवा हो गया है? नहीं, DM को तो दरोगा खुद नहीं घूमता है बताइए, 7-8 ड्रेस में तो SDM घूमेगा बताइए, जो है लोग जनता खाली चौकिया बना रहे हैं सब, घूस लेके ही जमीन हड़प रहा है DM, ये DM ये सब पूरे घूस लिए हैं पूरा, हम समझ रहे हैं प्रशासन घूस ली है सरकार, अरे सरकार से नहीं, बंदरगाह वाले जो बंदरगाह, अरे बंदरगाह वाले भी सरकारी नहीं है, वो भी प्राइवेट है, तब का सरकारी रहता अगर आपसे कोई आदमी आता सरकारी जो है, प्राइवेट वाला बिना सरकार के अनुमति से कर रहा है? अरे सरकार का अनुमति बात नहीं है, हम ही करें, जब भी आया हवा से आया, जमीन किसका है? जमीन हम लोगों का है, तो जो लोग कहते हैं, सुनिए पहले, लोग कहते हैं कि सरकार का जमीन है, सरकार क्या हमसे बनता है कि सरकार अपने से बन जाता है बताइए? जनता को चूतिया बनाते हैं सब लोग जो है, सरकार को हम सरकार बनाते हैं, हम गरीब आदमी सरकार बनाते हैं जो है, सरकार अपने से सरकार नहीं बन जाता है। लोग कहते हैं कि हम सरकार का हर चीज है, क्या हर सरकार का, हम गरीब मजदूरी करके सब चीज अपना कर करके बनाते हैं, हम लोग बनाते हैं, सरकार कोई किसी को कुछ नहीं बनाता है जो है। बड़ा सर्किट रेट लगा हुआ है भाई, चंदौली में सर्किट रेट लगा ले, रोड के किनारे कुछ और रेट लगा ले, वो रेट हमारे गांव में भी लगाए, जैसे बगल में तो ये सब मछली मारने कहाँ जाएंगे, क्योंकि मछली मारने लगे कहाँ जाएंगे, खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। कहाँ जाएंगे सर बताइए तो कहाँ जाएंगे, जैसे अपना घूमेंगे क्या करेंगे, चोरी लगेती ऐसे नहीं बढ़ता है सर, रोजगार नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, आजीविका चलाने के लिए फिरने को करना ही पड़ेगा। आश्रम खोल नहीं सकते? आश्रम तो खुला ही है, ऐसा चीज आश्रम भी है, आश्रम तो खुला ही है, आश्रम की जमीन चाहिए, पैसा चाहिए, उतना पॉसिबल नहीं है, जमीन तो चली आ रही है, कैसे आश्रम बनाएंगे? चलो चलते हैं ऊपर सर, हजूर पकड़ लो, हजूर पकड़ लो, कहा भैया कहाँ जाएंगे आपका, तो बंदरगाह इधर आ जाएगा सर, चलिए जहाँ जाना होगा जाएंगे। कहाँ? बंदरगाह बंदर बढ़िया लग रहा है, हैं? बंदरगाह बन रहा है बढ़िया नहीं लग रहा है, हम लोग कहाँ जाएंगे? ये बढ़िया नहीं लग रहा। खजूर खाइए, जब तक है पेड़ भी जाएगा ये तो।
हम लोगों का जो मूवमेंट है, गरीब सबसे बड़ी समस्या गरीबों के लिए है। मान लीजिए उनके पास जमीन भी नहीं है और किसी तरह सरकार के ही अगर जमीन में वो घर बनाए हैं तो उनके लिए तो और बहुत बड़ी समस्या है। तब ये सरकार किसके लिए काम कर रही है? गरीबों के लिए कर रही है कि सरकार पैसा उनके लिए कर रही है कि गरीबों के लिए सरकार कभी काम करती है? एक मोहरा होता है, गरीब एक मोहरा होता है, लेकिन सरकार तो पैसों के लिए काम करती है और पैसे वाले ही सरकार बनाते भी हैं। पैसे वाले जब चाहेंगे तो सरकार बनेगी, नहीं चाहेंगे नहीं बनेगी। लीजिए क्या है ये? ऐसा ये ऐसा लाल वाला खाइए। लाल वाला ज्यादा होता है, उसमें क्या होगा? इसको खाइए ना, बस ज्यादा दिन नहीं खा सकते हैं। आखिरी है, आखिरी है। कब से हैं आप यहाँ? यहाँ हम हैं 11 साल से। और कहाँ के हैं? इधर मुगलसराय से चकिया रोड में पांडेपुरी एक गांव है, रोड पर पड़ता है, वहीं से आगे जाने पर घुरहुपुर गांव है वहाँ। आप भी निषाद समाज से हैं? हाँ। तो इतने समय कांग्रेस ने, सपा ने, बसपा ने कुछ किया निषाद समाज के लिए? देखिए, समाज के लिए तो कांग्रेस जो किया वो भी रिकॉर्ड है। क्या? अब कांग्रेस जो काम किया है वो भी ब्राह्मणवादी व्यवस्था में ज़्यादातर काम किया है। छोट वर्ग के लिए काम नहीं किया, वो भी नाम मात्र का किया है। और बसपा? भाजपा भी तो वही बात है, भाजपा गरीबों के लिए वही मोहरे बना रही है। सपा बसपा, मायावती, अखिलेश, मुलायम सिंह? सपा बसपा कुछ किए, लेकिन ये लोग भी अब पैसा वालों के मूवमेंट में तो कोई भी रहेगा तभी सरकार बना पाएगा। बिना उनके मूवमेंट के दायरे में आए सरकार बन नहीं सकती है। देवी देवताओं की पूजा कितने मूवमेंट में जा रही है आगे, मूर्ति पूजा से देश बढ़ेगा आगे हैं? कि बुद्धिजीवियों विवेक वाल विवेक विवेकशील जो रहेंगे आदमी, उनके बल पर नहीं ये बढ़ेगा देश? कि जितने गरीब हैं चलें मूर्ति पूजा करें, भगवान का पूजा करें, उसी से वो विकास कर सकते हैं? अरबों खरबों रुपया जो आ रहा है सरकार का मंदिर से, वो कहाँ जा रहा है? किसके विकास में जा रहा है बताइए? वो सब वही ब्राह्मणवादी व्यवस्था में जा रहा है, उन्हीं के विकास। समाज के लोग अधिकतर तो भाजपा को वोट देते हैं ना? अब देखिए, भाजपा को निषाद समाज वोट देता है ठीक है, लेकिन भाजपा का विवेक और ज्ञान कैसे मोल्ड करता है इसको, इस समाज को कैसे मोल्ड करना चाहिए, मोल्ड किया है, ले रहा है वो, लेकिन इसके जो हित की बात है वो नहीं सोच रहा है, खाली अपने वोट के चक्कर में है। इसके लिए असलिया हकीकत क्या है, इसका हित क्या है निखात समाज या छोटे वर्गों का, उसके फेवर में सिर्फ वोट के लिए मूवमेंट में लेता है। आप यहाँ पे क्या करते हैं? यहाँ पर हम चौकीदार हैं। चौकीदार? अरे चौकीदार? आप चौकीदार हैं? हाँ। भी चौकीदार? मैं भी चौकीदार। तो थाना बिहार टेबल ट्रस्ट है ये, उसका मैं चौकीदार हूँ। तो कब से चौकीदारी कर रहे हैं? यहाँ 11 साल हो गया। उससे पहले? उससे पहले घर पर थे। क्या वहाँ पे खेती बाड़ी? जी जी। यहाँ शांति है? ठीक। हाँ। की है यहाँ शांति है, इसीलिए मैं हूँ।
हमारे तनख्वाह में बहुत ज़्यादा दम नहीं है, 4,500 रुपया तनख्वाह हमको मिलता है, लेकिन चूंकि शांति है इसलिए मैं यहाँ हूँ और बुद्धिजीवी समाज के संपर्क में हूँ इसलिए यहाँ। कैसे उनके संपर्क में आते हैं वो यहाँ? हाँ, यहाँ पर आते हैं। और ये जो बुद्धिजीवी वहाँ लगे हैं बंदरगाम जी, ये जो बुद्धिजीवी उधर विकास कर रहे हैं, वो उनका विकास यहाँ तक आने वाला है ना? बंदरगाह वाला अभी तो कोई यहाँ के लिए कोई नोटिस नहीं है, अब आगे देखिए क्या करते हैं। अभी तक तो कोई सूचना नहीं है, अभी तक तो ये पीएमओ कार्यालय के जो इंजीनियर हैं वो आए थे यहाँ, जो प्लान वगैरह बनाते हैं, तो उनके साथ में यहाँ पर ट्रस्ट की मीटिंग थी, तो कहे चलिए हम इसको छोड़ देंगे, लेकिन ये है कि ये सार्वजनिक रूप में रहना चाहिए। हाँ, तो ट्रस्ट के अधिकारी लोग कहे कि नहीं नहीं ये रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं है कि ये सार्वजनिक ना हो, सार्वजनिक है और रहेगा। हाँ, आप लोगों को मैंने बंदरगाह के अधिकारियों को यहाँ आने जाने में कोई हम लोगों को आपत्ति नहीं है, बराबर आ जा सकते हैं। पर गोदाम आएगा फिर शांति रहेगी? इतना सिप आएगा जाएगा वो साहब, गोदाम आएगा तो शांति कहाँ रहेगी? नहीं रहेगी तब शांति कहाँ रहेगी। क्या नाम है आपका? राम सूरत। राम सूरत जी, पूरा नाम? राम सूरत प्रसाद। प्रसाद, तो आप माझी समाज में तो माझी साहनी या निषाद लगाते हैं क्या राशि? ऐसा नहीं? नहीं, वो एक बिहार समाज है इधर। बिहार? हाँ, बिहार इसी में आते हैं सर। हाँ, इसी में आते हैं। अभी यही समस्या न है, मान लीजिए जिनको ज़्यादा ज़मीन है, पैसा मिल जाएगा तो जा कर के व्यवस्था बना लेंगे, जो निहायत गरीब आदमी हैं वो तो और परेशान है कि हम लोग कहाँ जाएंगे। आप बौद्ध धर्म को मानते हैं क्या? हाँ। अब बने बौद्ध? हाँ। कब? हम बन गए 2011 में। क्या इसका प्रक्रिया क्या होता है, कैसे बनते हैं? प्रक्रिया कुछ नहीं है, वो तीसरण पंचशील वो भनते आते हैं अपना, वो तीसरण पंचशील का वो प्रतिज्ञा के रूप में अपना उद्यम शरणम गच्छामि जी, वो ये कर देते हैं अपना, इसी से हो जाता है। क्यों किए आप कन्वर्ट, माने आप धर्म परिवर्तन क्यों किए? ये धर्म परिवर्तन नहीं है। अच्छा, ये बुद्ध का तो एक वैज्ञानिक सोच है ना? अच्छा। हाँ, बुद्ध का जो ज्ञान है एक वैज्ञानिक सोच है, वो किसी धर्म परिवर्तन, जिनकी मानसिकता जो है हीन मानसिकता रहती है, वो सोचते हैं कि ऐसा धर्म परिवर्तन है, लेकिन धर्म जो है ना, वो धर्म किसी संप्रदाय के अंडरटेकिंग नहीं है, धर्म तो स्वतंत्र है ना, वो किसी संप्रदाय में नहीं आता है, सबके लिए है। सबके लिए है, तो इसमें वैज्ञानिक सोच है। हाँ, इसमें वैज्ञानिक सोच है, बुद्ध के ज्ञान को लेकर के ग्रहण करके विदेश में देश कितना आगे चले गए हैं, आज इंडिया साला ब्राह्मणवाद और जातिवाद के कुचक्र में पड़ के हैं, अब वो कितना पीछे जाएगा इसकी कोई तुलना नहीं है। इसमें क्या वैज्ञानिक है? हाँ, क्या वैज्ञानिक है बौद्ध? वैज्ञानिक इसमें ये है कि जैसे कि आप जो है मान लीजिए इनका जो ये मंदिर मस्जिद पे पूजा वाला ज्ञान नहीं है, इनका ज्ञान है कि आप शुद्ध चरित्र से आप शुद्ध काम करेंगे हैं तो विशुद्ध रूप से आपको लाभ होगा। आपके करैक्टर के ऊपर इनका रिसर्च है,
किसी मंदिर मस्जिद या देवी देवता के पूजा के निमित्त इनका रिसर्च नहीं है, आपके चित्तवृत्तियों पर इनका रिसर्च है। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान इनका जो प्रतीत समुत्पाद है, बुद्ध की सबसे बड़ी खोज है प्रतीत समुत्पाद। उनका सबसे बड़ी शिक्षा है कि हमारा यह जो ज्ञान है न तो पूजा पाठ के लिए है, न प्रज्ञा के लिए, न शील के, न समाधि के लिए। हमारा पूरा ज्ञान जो है मनुष्य की चित्त की शुद्धता के लिए है। अगर मनुष्य का चित्त पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएगा तो वो अपने आप में समर्थ है।